हेलो एवरीवन, दिस इज सुधीर एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। टुडे वी डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक एंड इंटरेस्टेड टॉपिक। टॉपिक है बेटा हमारा रिटेल ट्रेडिंग सर्विस एंड होल ट्रेडिंग सर्विस। इसके अंदर हम बात करेंगे फुटकर व्यापारी सेवाओं के बारे में और थोक व्यापारी सेवाओं के बारे में। दोनों हमारे टॉपिक हैं, काफ़ी इंटरेस्टेड टॉपिक है बेटा। फुटकर की मतलब हम एक चैन सिस्टम के अंदर जब सप्लाई है वो करते हैं और लास्ट में हम डायरेक्टली जो शॉपकीपर है उसके द्वारा हम जो सामान है वो लेते हैं और डायरेक्ट कंज्यूम कर लेते हैं। तो ये तो हो गए सभी के सभी रिटेल ट्रेडिंग सर्विस। और एक पूरी तरह एक बल्क में हम एक थोक के रूप में जब हम सामान को खरीदते हैं तो वो उनको बोला जाता है होलसेल। होलसेल मतलब काफ़ी बड़ी मात्रा में हम जब सामान को खरीदते हैं, इसमें डायरेक्टली हम जो कंपनी है जो इंडस्ट्री है उससे भी खरीद हैं और जो बड़े बड़े मैं कहूँ कि शॉपकीपर हैं, जो बड़े बड़े दुकानदार हैं उनसे भी खरीदते हैं, तो वो बोला जाता है होलसेल। चलिए रिटेल ट्रेडिंग सर्विस के बारे में पढ़ते हैं। दिस इज द टाइप ऑफ बिजनेस इन विच गुड्स आर सोल्ड डायरेक्टली टू द कंज्यूमर। कि जो कंज्यूमर को जो डायरेक्टली ठीक है ना जो डायरेक्टली जो कंज्यूमर को जो प्रोवाइड करते हैं उन्हीं को हम रिटेल ट्रेडिंग सर्विस बोलते हैं। जो हम कस्टमर हैं, हम कंज्यूमर हैं, हम कहीं से भी जो सामान है वो लेते हैं ठीक है ना। हाँ, जो सामान है वो हम डायरेक्टली कहीं दुकान से लेते हैं तो वो रिटेल ट्रेडिंग सर्विस के अंदर इंक्लूड है, वो किया जाएगा। इन फिक्स प्लेस, उनका कोई फिक्स प्लेस होता है एस्टेब्लिशमेंट या फिर उनका एक कोई फिक्स स्टोर हमें देखने को मिलता है, कोई उनकी फिक्स जगह होती है या फिर कोई फिक्स स्टोर होता है, वो मूवमेंट नहीं करते। पर कुछ एग्जांपल हैं यहाँ पे, हैंड कार्ट, ट्रक, डोर टू डोर सर्विस, मेल ऑर्डर, टेलीफोन एंड स्ट्रीट पेडलिंग। कि मतलब जो फेरी वाले होते हैं ये हैं, और हैंडक्राफ्ट और ट्रक हैं, डोर टू डोर जो सर्विस है वो प्रोवाइड करते हैं हमें ठीक ना। तो बेटा ये सभी के सभी क्या हैं, एक अच्छे एग्जाम्पल हैं हमारे लिए भी और आप लोगों के लिए भी, किसके, रिटेलिंग ट्रेडिंग सर्विस के। इंटरनेट आर एग्जांपल ऑफ नॉन स्टोर रिटेलिंग ठीक है ना, ये याद रखना है आपका। नॉन रिटेल रिटेल ट्रेडिंग का एग्जांपल क्या है, वो है बेटा हमारा इंटरनेट। सम रिटेल ट्रेडिंग इज डन बाय मूविंग स्टोर। कुछ के क्या होते हैं, मूविंग स्टोर होते हैं लगातार जो घूमते रहते हैं, और कुछ के क्या होते हैं, मोबाइल स्टोर होते हैं जो हमें अभी अभी पढ़ा है। जैसे स्ट्रीट पेडलिंग है जिसको फेरी वाला हम बोलते हैं, गांव के अंदर जो खिलौने बेचने वाले होते हैं, सब्जी बेचने वाले होते हैं वो आते हैं, तो वो क्या करते हैं अपना जो उनका जो भी स्टोर होता है या मैं कहूँ कि जो उनकी दुकान होती है ठीक है, उसको लेकर वो घूमते रहते हैं, तो इनको मूविंग स्टोर के नाम से जाना जाता है बेटा। होल सेल ट्रेडिंग सर्विस, ये क्या होती है, होल सेल ट्रेडिंग बल्क बिजनेस है जो डिपेंडेंट होता है इंटरमीडिएट मर्चेंट, जो बिचौलिए होते हैं उन पे, एंड सप्लाई हाउस जो सप्लायर होते हैं उन पे डिपेंडेंट होता है। इंटरमीडिएट जो मर्चेंट है उन पे, और जो सप्लाई हाउस के हैं ठीक है ना, जो हाउस में जो सप्लाई करते हैं उनको बोला जाता है, उनमें क्या होते हैं ये डिपेंडेंट होता है क्या, होलसेल जो ट्रेडिंग है वो डिपेंडेंट है किस पे, ये मैं आपको बता चुका हूँ। इट इज़ नॉट कंसिडर्ड विद रिटेलर स्टोर, इनके कोई अपने हम इनको कंसिडर नहीं कर सकते किसके साथ, रिटेल जो स्टोर है उनके साथ कंपेरिजन है वो नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो की जाती है, पर जबकि रिटेल स्टोर के अंदर ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो नहीं की जाती। रिटेल जो स्टोर हैं वो डिपेंडेंट होते हैं किस पे, होलसेलर पे ही, जो होलसेलर हैं उन पे डिपेंडेंट है वो होते हैं। होलसेल ट्रेडिंग इंक्लूडिंग लार्ज स्टोर, इनमें कैसा स्टोर होता है, वो लार्ज स्टोर हमें देखने को मिलता है, काफ़ी बड़े बड़े जो स्टोर हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं होलसेल के अंदर, इंक्लूडिंग चैन स्टोर, और जो चैन स्टोर है वो भी हमें देखने को मिलता है बाय डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग, और ये डायरेक्टली ही जो बाई कर लेते हैं किससे, जो मैन्युफैक्चरिंग है जो इंडस्ट्री है उससे डायरेक्टली बाई कर लेते हैं। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं कि मैं खुद एक होलसेलर हूं और मेरे पास बुक आती हैं, तो मैंने क्या किया, मैं उनकी सप्लाई कर देता हूं, जो 100 बुक मैंने
कहीं दिल्ली सप्लाई की 50 बुक, मैंने मुंबई सप्लाई की, और जो 1000 जो बुक है चेन्नई, और 2000 मैंने महाराष्ट्र या फिर मैं कहूँ सॉरी कोलकाता, यहाँ पे सप्लाई की, ठीक है ना। क्योंकि मेरा जो लिंक है डायरेक्टली किसे है, वो इंडस्ट्री से, जहाँ पे जो प्रिंट है बुक वहाँ होती हैं। और जब आप बुक लेने जाते हो तो जो दुकानदार हैं, ठीक है ना, पहले मैंने कहाँ से करी थी, इंडस्ट्री से, फिर मैंने किसको दी, बड़े बड़े जो शहर के अंदर जो बल्क में जो सामान को खरीदते हैं, जो मर्चेंट होते हैं, इंटरमीडिएट जो मर्चेंट होते हैं, उनको दी मैंने, और फिर उन्होंने शॉपकीपर को दी, और फिर बाद में अपने लिए। तो ये क्या होगी, पूरी की पूरी चैन सिस्टम बन गया। तो चैन सिस्टम भी हमें इसके अंदर देखने को मिलता है। होलसेल ऑफन क्रेडिट टू रिटेल स्टोर्स, ये क्या आता है कि जो होलसेलर होते हैं वो जो छोटे छोटे जो शॉपकीपर होते हैं, जो दुकानदार होते हैं, जो रिटेलर्स होते हैं, उनको उधार पे भी जो सामान है वो दे देते हैं। और ये भी याद रखना कि जो रिटेलर्स हैं वो उन्हीं की पूंजी पे, किनके पे, होलसेलर जो पूंजी होती है होलसेलर की, जो मैं कहूँ कि जो हमें कैपिटल है वो देखने को मिलती है होलसेलर की, उन्हीं पे हमें जो डिपेंडेंट है वो देखने को मिलते हैं। कौन, रिटेलर्स जो स्टोर या जो रिटेल जो स्टोर है या रिटेलर्स जो है वो डिपेंडेंट होते हैं किस पे, होलसेलर कैपिटल पे, वो हमें डिपेंडेंट दिखाई देते हैं। वो बड़ी मात्रा में क्या करते हैं, इनसे उधार में सामान है वो उठा लेते हैं, और काफ़ी महीनों के बाद उनका जो हिसाब है वो चलता रहता है, और वो कुछ महीने के बाद अपना जो हिसाब है वो कर लेते हैं, ऐसे लगातार चलता रहता है। तो बस बेटा, आज का ये टॉपिक था, ऐसा करता हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा। समझ नहीं आया तो फिर भी आप हमारी जो वीडियो है उसको बैक करके देख सकते हैं, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। ये जो नोट्स हैं वो मैंने करा दिए हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।